कुकिंग विद मिंकी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल के पकोड़े। उसके सामग्री चाहिए, देखिए हमारी मूंग की दाल है। मैंने इसे 2 घंटे के लिए रख दिया था फूलने के लिए। मैंने इसे अच्छे से धोया भी है 2 से 3 बार। एक प्याज है बारीक कटोया मीडियम, 5 से 4 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, छोटी चम्मच हींग है, छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच छोटी नमक स्वाद अनुसार। मैं दाल को मिक्सी में पीस लेती हूँ। देखिए मैंने दाल को मिक्सी में पीस लिया है। इसमें हम प्याज ऐड करते हैं कटोए। हरी मिर्ची ऐड करते हैं, कस्तूरी मेथी, हींग, नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ मिला लेते हैं। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सभी चीज़ों को। इसमें गैस पर मैं कढ़ाई रख रही हूँ, उसमें मैंने ऑयल डाल रखा है। इसको गर्म होने दीजिए। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है। गैस को हम मीडियम कर लेते हैं। आप चम्मच के साथ या फिर हाथ से भी आप डाल सकते हैं। सभी दाल के पकौड़े इसी प्रकार से डालने हैं आपको। देखिए मैंने सभी पकौड़े तेल ऑयल में डाल चुकी हूँ। आपको धीमी आंच पर ही पकाना है। देखिए हमारे पकौड़े अच्छे से पक गए हैं। कितना प्यारा कलर आया पकौड़ों में। इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। आप चाय के साथ गर्म गर्म सर्व करें।